हिंदुवादी संगठनों के द्वारा भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका गया है। अनिरुद्धाचार्य इस समय बिग बॉस में शिरकत कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। वृंदावन के चुंगी चौराहे पर अनिरुद्ध आचार्य का पुतला दहन किया गया, क्योंकि वो मुंबई में जाकर सलमान खान के बॉलीवुड में जा पहुंचे। वहां पर सलमान ने राधे राधे न बोलकर नमस्कार किया, न प्रणाम किया, और सिर्फ यही कहा कि आइए डॉक्टर साहब, आज हमारे सनातन धर्म को ऐसे लोग समाप्त करें, क्योंकि आज किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि उनके बिग बॉस में आज तक न कोई ज्ञानी गुरुद्वारे से पहुँचा, न कोई गौतम बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक पहुँचे, ना कोई फादर, ना कोई मौलवी पहुंचा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं पहुंचे। हमारा धर्म ऐसा है कि संसार में विख्यात है, सनातन धर्म के लोग ऐसे बाहर से यहाँ पास गए, वृंदावन वृंदावन धाम को बदनाम कर रहे हैं, व्यास गद्दी को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सिलसिला जारी रहे। छाया गौतम ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि आज लोग धन के लालच में आकर धर्म को देख नहीं रहे। अरे भाई, इस प्रकार के कार्यक्रम में जाना है तो मुंबई में ही रहो, जरूरत क्या है कि वृंदावन में दर रहें। और इसको लेकर उन्होंने सख्त कार्यवाही की मांग की है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहा अनिरुद्धाचार्य। आपने देखा होगा पहले भी इन लोगों ने टिप्पणी की थी सीता माता के ऊपर, तभी मैंने इनके खिलाफ एक तहरीर दी थी। अभी ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस में जाके वहाँ सनातन धर्म की इतनी धज्जियां उड़ रही है। पहले बोला गया था कि वहाँ कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता और वहाँ पे नीच लोग रहते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ आती हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं है और हमारे आदर्शों में नहीं है। ये बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सनातनी है, भागवताचार्य है या ये मॉडल बनने गए हैं, ये क्या हीरो बनने गए हैं। मेरा कहना, मैं ब्रजवासियों से बस एक ही मांग करती हूँ कि अगर बाबा लग रहा है कि बाबा मुंबई में जाके हीरो बन चुके हैं तो इनको हीरो बना के ही वहाँ रखो। वृंदावन में इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई व्यासपीठ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कोई गौरी गोपाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ब्रजवासियों की बनती है। उनका बोलना है कि वो सनातन को बढ़ावा देने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे। आपने देखा होगा और ये पूरा विश्व देख रहा है इस बात को कि वो गीता देने तो वहाँ गए हैं, चलो समझ में आ गया, कहीं तो बचाव रखेंगे अपना। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे यहाँ इन बाबाओं को पूजा जाता है, ये सनातन की शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये हमारे लोगों को शिक्षित करते हैं सनातन के लिए और आगे सनातन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को एक मुस्लिम समुदाय का हीरो सलमान खान इनकी बेइज्जती कर रहा है स्टेज पे, क्या वही एक मंच बचा था इनको सनातन का प्रचार करने के लिए? क्या व्यासपीठ बहुत नहीं थी प्रचार करने के लिए? लाखों की संख्या में इनके पास लोग आते हैं, वो बहुत नहीं है क्या? इनकी सोशल मीडिया इतनी वायरल है, सोशल मीडिया के द्वारा ये सनातन का प्रचार नहीं कर रहे, वहाँ नंगपने में ये गए हैं। इनका बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ से बिल्कुल निष्कासन एक तरह से होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन की जनता से मैं अनुरोध कर रही हूँ, जितने भी कट्टर हिंदू है, हिंदुवादी संगठन है, तब सब एकजुट हो जाए और बाबा का यहाँ आना बंद कर दें। उन्होंने माफी मांग ली है, ये तो इनका प्रचलन है। जैसे आपने इंद्रदेव को देखा होगा, इंद्रदेव ने भी इतना अभद्र टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बड़ा मोर्चा खोला था। मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ कि एक बाबा के खिलाफ एक मुकदमा लिख जाए और कोई एक बाबा अगर जेल पहुंच जाए तो इनकी मानसिकता सुधर जाएगी, इनके दिमागों में सुधार आ जाएंगे। कितने हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो रही है इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना प्रचार प्रसार और पैसे के लालच में कर रहे हैं, पैसे के लिए किया जा रहा है। ऐसे इंद्रदेव महाराज ने किया, पहले किया फिर उसके बाद माफी मांग ली। अनिरुद्धाचार्य ने पहले सीता जी पर टिप्पणी की फिर माफी मांगी, अभी ये किया है फिर माफी मांगी है, ये क्या प्रचलन थोड़ी चल गया है? शिव जी पर भी एक निश्चित तौर पर ये टिप्पणी करते हैं और ये प्रसिद्धि के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सब करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो हमारा दिल अब इतना बड़ा नहीं बचा कि हम इनको माफ करते रहे, इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों का वृंदावन में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। निश्चित तौर पर तहरीर दी जाएगी और मैं तो ये कहती हूँ तहरीर ही नहीं, पूरे सभी हिंदू संगठन एक हो जाए और एक होने के बाद निश्चित तौर पर इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आती हुई है अनिरुद्धाचार्य की वजह से। ये मुद्दा बहुत परिचित है, पूरे देश के अंदर है, बाकी मथुरा वृंदावन में नहीं है। देखिए, संतों को या व्यास पीठों को वहां मुंबई में जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ धन ही रह गया है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। इनका तो मुझे लगता है कि विपरीत बुद्धि विनाशकारी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और हमारे सनातन धर्म को दिन प्रतिदिन वो समाप्त कर रहे हैं। क्या वहां पर आज तक कोई मौलवी गया? क्या वहां पर फादर गया? क्या वहां पर कोई सिख गुरुद्वारे का कोई ज्ञानी गया? कोई भिक्षुक गौतम बुद्ध का गया? आज तक कोई नहीं गया किसी धर्म का। क्या हमारा धर्म एक ऐसा सस्ता हो गया? जब चाहे जब जिसको बोल दो
ये कहते थे, यहीं पर मैंने किया था कि सीता जी अब सुंदर थी, द्रौपदी अब सुंदर थी, तो दुर्योधन ने जंग पर बैठाने के लिए कहा, सीता जी का हल हुआ, हमने उनसे कहा कि आपकी मां नहीं है। अरे कह दिली तू भक्तजन, याद आता है सोर नहीं तो जननी बाज है मती गवा बनू। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जति सती इसी माँ से पैदा होते हैं, इसके अलावा दूसरे से नहीं होते। आप किसकी बात करते हैं? मुझे लगता है इनको पैसे की जरूरत थी, दौलत की जरूरत थी। अरे भाई अभी कल परसों रतन टाटा चला गया, क्या लेके गया? जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उन हकीमों से कहो ये जाकर बोल कर किताबा करते थे, किताबें खोल कर वो हर किसी डाली जाएगी। बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर छी रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या जो पीठ वाला व्यक्ति, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अभ्यासी, क्योंकि जो पीठ आ गई है वो कथा वाचक है, हमारे पूजनीय है। क्या उन्होंने राम राम कहा? क्या उन्होंने राधे राधे कहा? क्या उन्होंने इनको कुछ कहा से सुनकर कहा? किसी को कुछ नहीं कहा, बोले आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद ये पैरों में गिर गए। और मैं नहीं मांगने का उनका एक ढोंग हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम जिला प्रशासन से, कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी इनके खिलाफ, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक ये धज्जियां हमारे हिंदू धर्म की इसी प्रकार से उड़ती रहेगी। इस बुलेटिन